डीके शिवकुमार की शर्त मानने के बाद ही सिद्धरमैया सीएम बने हैं। आइए जानते हैं कि क्या थी वो शर्तें और कैसा था एक किसान के बेटे से सीएम बनने का सफर। एक गरीब परिवार में जन्मे सिद्धरमैया ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था। सर से पिता का साया उठने के बाद भी सिद्धरमैया ने कभी हार नहीं मानी और सभी कठिनाइयों के बावजूद भी संघर्ष करते हुए इन्होंने मैसूर के विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की। ये राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। कानून की डिग्री लेने के बाद ये एक वकील के रूप में काम कर रहे थे। सन था 1983 जब इनकी मुलाकात एक कांग्रेस के नेता से हुई। समाज में इनकी अच्छी छवि होने की वजह से उन्होंने सिद्धरमैया को विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कहा और उनकी बात मानकर सिद्धरमैया ने यह चुनाव लड़ा और इस चुनाव में वो जीत गए और सभी उनकी जीत पर आश्चर्यचकित थे। इसके बाद सन था 2013 और उन्होंने विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया था और इसके बाद कांग्रेस ने पहली बार उन्हें कर्नाटक का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। 2013 से 2018 तक वो मुख्यमंत्री बने रहे। इसके बाद उन्होंने 2018 में अपने बेटे के लिए वो सीट छोड़ दी और अब 2023 में कर्नाटक विधानसभा में उन्होंने 119,430 वोटों से विजय प्राप्त की है। जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि किसी भी पार्टी का सीएम उस पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे। तो इनके पास दो नाम थे जिसमें से पहला नाम था डीके शिवकुमार का और दूसरा नाम था सिद्धरमैया का। लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो डीके शिवकुमार है उनके ऊपर पास्ट में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर केस दर्ज है और जो सिद्धरमैया है उनके पास 90+ विधायकों का सपोर्ट है। तो यहाँ पर कांग्रेस ने डीके शिवकुमार को 3 और लोगों के साथ मिलकर डिप्टी सीएम का पद साझा करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की ये बात नहीं मानी। वो इस बात पर नाराज हो गए कि उन्हें 3 लोगों के साथ अगर पद साझा किया तो उनका औहदा ही क्या रह जाएगा और उन्होंने खुद को सीएम बनाने की बात कही, लेकिन कांग्रेस ने उनकी ये बात नहीं मानी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कांग्रेस के सामने ये थी कि डीके शिवकुमार की छवि खराब थी क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसे हुए थे और जो सिद्धरमैया थे उनके पास 90+ विधायकों का सपोर्ट प्राप्त था, तो इसलिए वो सिद्धरमैया को सीएम बनाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर डीके शिवकुमार इस बात पर मान रहे नहीं थे और वो कांग्रेस के सामने शर्त रख रहे थे। फिर उन्होंने कांग्रेस सामने एक आखिरी शर्त रखी कि अगर उन्हें अकेले डिप्टी सीएम बनाया जाएगा तब वो सिद्धरमैया को सीएम का पद लेने देंगे और इस शर्त पर ही सिद्धरमैया को सीएम नियुक्त किया गया और आज उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। जय हिंद।